बात करें डीजल लोको शेड झांसी की, तो एनसीआर के पास अभी इतने टाइम सिर्फ यही एक लोको शेड है, डीजल लोको शेड, जिसमें कि डीजल लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग और सभी काम होते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू दिस चैनल ट्रेन लवर्स HY। तो आज हम आ चुके हैं डीजल लोको शेड झांसी एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पर आप नज़ारा देखें तो बस अब जल्दी से हम अंदर जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं डीजल लोको शेड झांसी। और इस व्लॉग को भी पूरा देखिए, एंड तक देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। और जैसे कि आपने देखा, पहले इलेक्ट्रिक लोको शेड भी हम कवर कर चुके हैं, कोच फैक्ट्री झांसी भी कवर कर चुके हैं, और अब बारी है डीजल लोको शेड की। तो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, पूरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, बहुत सी चीज़ें मैं आपको आज इसमें दिखाने वाला। तो ये आ चुके हैं अभी हम डीजल लोको शेड झांसी में, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोकोमोटिव्स यहाँ पर खुले हुए रखे हैं। और रिसेंट में 2019 अप्रैल में ही इस डीजल लोको शेड ने जो है अपने करीब 44 साल पूरे किए। और चलिए अब अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है और क्या हमको देखने को मिलता है इस लोको शेड के अंदर। चलिए आज आपको वाइड एंगल लेंस से दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा। यहाँ पर कुछ लोकोमोटिव जो खड़े हुए हैं, ये देखिए कैसे लग रहे हैं, ये लाइन से खड़े हुए हैं लोकोमोटिव, पर देखने में काफी बेहतरीन, सारे लाइन से लगे हुए हैं ये लोकोमोटिव, क्या बेहतरीन नज़ारा है। कमेंट में जरूर बताइए ऐसा नज़ारा पहले कभी देखा है क्या आपने। और यहाँ पर हमारा शंटिंग लोकोमोटिव खड़ा हुआ है आखिरी में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये WDM सीरीज के एल्को लोकोमोटिव हैं सभी, और क्या बेहतरीन नज़ारा जो है यहाँ पर, सभी भाई बंधु अपने सारे लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, विश्राम कर रहे हैं, कुछ का काम हो चुका है, कुछ अपना काम करवा रहे हैं भाई यहाँ पर, लेकिन ये नज़ारा वाकई बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए चलिए आप इस एक WDM 3A लोकोमोटिव के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है भाई। ये हम आ गए हैं इसके केबिन में, और ये देखिए अभी तक जो कभी नहीं दिखाया गया, ट्रेन लवर्स HY दिखा रहे हैं आपको WDM 3A लोकोमोटिव के अंदर का इंटीरियर। भाई ट्रेनों का तो बहुत दिखा दिया, आज लोकोमोटिव का भी देख लिया। यहाँ पर देखिए आप कुछ लोकोमोटिव्स की यहाँ पर बोगी रखी हैं, बोगी का जो स्ट्रक्चर होता है वो रखा है, लेकिन इसमें जो है अभी व्हील्स वगैरह नहीं है। और नज़ारा कुछ बेहतरीन ही आ रहा है वाइड एंगल लेंस से। और ये देखिए लोकोमोटिव का पूरा ये जो मोटर्स वाला सेक्शन होता है वो पूरा खुला रखा है, ये देखिए। जैसे कि वहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन को लेके खड़ा हुआ है, WAP-7 है। और ये डीजल लोको शेड की अगर बात करें तो झांसी से जो भोपाल वाली लाइन है उस मेन लाइन के जस्ट बगल में जो है ये लोको शेड बनाया गया है। और ये जो है ये एरिया है यहाँ पर वर्कशॉप वाला एरिया, जहाँ पर पूरे इंजन्स का काम होता है, मेंटेनेंस होता है। तो चलिए अंदर से और थोड़ा देखते हैं क्या है इस एरिया में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं सेक्शन में। भाई परमिशन बिल्कुल भी नहीं मिल रही इस सेक्शन में आने की, बस ये समझ लो दुखते छुपते जो है ये व्लॉग बनाया जा रहा है। भाई लाइक ज़रूर कर दो यार, अभी तक नहीं किया है, कितनी जुगाड़ से बनाते हैं ये व्लॉग, अब मैं क्या बताऊं आपको भाई, क्या बताऊं। और ये खड़ा है WDG-4D, और यहाँ पर ये खड़ा है WDP-4D, एक है पैसेंजर ट्रेन एक है गुड्स ट्रेन का, और ये खड़ा है WDG-3A, ये खड़ा है हमारा WDS-6 यानी शंटिंग का लोकोमोटिव, ये शंटिंग में यूज़ होता है विंग का। और ये शंटिंग लोकोमोटिव का आप इस देखिए अंदर,
खुला डला है भाई साहब ये भी, और यहाँ पर इसमें भी काम चल रहा है, सभी लोकोमोटिव में काम चल रही है, जाहिर सी बात है भाई, लोको शेड के अंदर है भाई हम, डीजल लोको शेड के अंदर, यहाँ पर तो काम चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा, है ना। और ये देखो छत उड़ाई गई है, अभी किसकी उड़ाई गई है भाई, देखनी पड़ेगी, ये देखिए आप। और उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये पूरा लोकोमोटिव खुला हुआ रखा है यहाँ पे, ये छत जो है इसकी उड़ाई गई थी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई है। और यहाँ भी और WDG3 ये लोकोमोटिव्स खड़े हुए, बहुत सारे लोकोमोटिव हैं यार यहाँ पर, डीजल ही डीजल लोकोमोटिव बहुत सारे। और ये देखिए एक WDG3 की इंटीरियर देखिए एक और, ये देखिए ये है लोको पायलट केबिन, लोको पायलट का केबिन है भाई ये, क्या बेहतरीन है नज़ारा। ये देखिए एक साइड से यहाँ से ऑपरेट करने के लिए ये, और दूसरी साइड से वो ऑपरेट करने के लिए वहाँ के लिए सीधा, तो समझ गए होंगे आप कि कैसे चलाते हैं लोको पायलट्स डीजल लोकोमोटिव को, जिनमें कि सिंगल कैब होता है। और ये जो है पूरा वर्कशॉप, इंटीरियर वर्कशॉप का इंटीरियर है, क्या आप इस लोकोमोटिव और इस लोकोमोटिव का इंटीरियर देखना चाहेंगे, चलिए कोशिश करते हैं देखते हैं। ये देखिए ये खड़ा है WDG4D, तो आइए लेट्स सी द इंटीरियर, यहाँ से चलते हैं भाई। ये देखिए यह है WDG4D का इंटीरियर, चलिए वापस आए। ये अब ये जो हमारा शंटिक लोकोमोटिव है, आपने इसको हमेशा देखा होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे, इसका इंटीरियर भी देखा जाए आज। ये रहा आज शंटिंग लोकोमोटिव का इंटीरियर, और ये देखिए फ्रंट लाइन से, फ्रंट से कैसा दिखता है व्यू। अब चलिए ये जो हमको दिख रहा है इतने टाइम सामने WDP4D, इसका इंटीरियर और देखते हैं भाई। बहुत मुश्किल से बना रहे हैं ब्लॉग, लाइक जरूर कर दो यार, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा है, बहुत सारे व्यूज चाहिए भाई मुझे इस वाले वीडियो को, मुझे मतलब नहीं है बस आप लोगों का प्यार ही प्यार चाहिए। यह है WDP4D, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें, आप देखें जैसे कि बहुत ही एडवांस WDP4D। और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्दी ये जो आपको व्यू मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डीजल लोको शेड में, बहुत ही जल्दी किसी लोकोमोटिव की राइड का ब्लॉग भी आएगा आपके सामने, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही अलग, और वो कंटेंट तो है ही नहीं भाई यूट्यूब पे, देखिए कोशिश करने में लगा हूँ मैं। और ये देखिए WDP4D के अंदर का मटेरियल, इसकी भी छत उड़ा दी गई है अभी तो फिलहाल। चलिए अब ये जो लोकोमोटिव के बगल से ये गैलरी टाइप की होती है प्लेटफॉर्म के नीचे, जहाँ से थोड़ा मेंटेनेंस किया जाता है नीचे का, वो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नीचे का भी। ये देखिए भाई काफ़ी डरावना जो है ये चीज़ देखने में लगता है, अगर ये जो लाइन से लोकोमोटिव खड़े हैं इनको सभी को चालू कर दिया जाए आप यहाँ से निकल नहीं सकते भाई, काफ़ी डरावना ये हो सकता है। व्यू देखें आप कैसा व्यू है, मुझे पता है अभी तक ऐसा ब्लॉग आपने यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा होगा, कमेंट में भी जरूर बताएं कैसा लग रहा है अभी। ये थी पूरी प्लेटफॉर्म के नीचे की कहानी, हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, ये आ गए हम बाहर की ओर। और यहाँ पर आप देखें तो कुछ व्हील्स वगैरह और इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर इंजन के, ये देखिए पूरी बोगी रखी हुई है। तो चलिए इस सेक्शन में भी देखते हैं आगे और क्या क्या है, और ये ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह जाने क्या क्या यहाँ पर है, तो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो ये देखिए काफी बड़ी बड़ी मोटर्स यहाँ पर रखी गई हैं, तो वाइड एंगल में यार क्या व्यू आता है, अलग ही मजा है वाइड एंगल का। और यहाँ पर देखिए आप वो एक लोकोमोटिव खड़ा है WDM-3A, और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ तो भाई सब कुछ गायब हुआ पड़ा है, तो
चलिए अंदर से देखते हैं कि क्या इसके संग घटना घटी है भाई, क्या हो रहा है, ये क्या है, इसके संग क्या हो रहा है भाई, मतलब अगले की तुमने ऐसी कर दी। चलिए ऊपर चलते हैं, अंदर चढ़ के ही देख लेते हैं ना। तो काफ़ी मुश्किल से जो है मैं ऊपर चढ़ गया हूँ जिस तरह से, और आपको दिखाई देता हूँ लोकोमोटिव करीब से ही क्या हुआ है इसके साथ। ये देखिए अंदर घुसते हैं, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो देखिए लोकोमोटिव के अंदर। ये व्यू नहीं देखा होगा यार आपने कभी नहीं देखा, ये देखो है कुछ बेहतरीन। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये लोकोमोटिव खड़े हैं, दो भैया खड़े हैं WDG 4। और ये देखिए भगत की कोठी, शायद ये भगत की कोठी क्या हो लोकोमोटिव। और यहाँ पर अलग ही खड़े हैं काफ़ी दूर, मतलब अलग छत्र छाया में। अभी जो आपको मैंने दिखाया था वो था उससे पहले डबल कैप वाला लोकोमोटिव, लेकिन ये आप देखें जैसे कि सिंगल कैप का लोकोमोटिव है। इसके अंदर के अभी इंटीरियर देखते हैं भाई। तो ये रहा इंटीरियर, यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट, सिलेंडर्स, और ये कैप, एंड ये दूसरा कैप। अब आप सोचिए इससे दूर तक देखने में लोग पहले तो कितनी दिक्कत आती है। ये पंखा, और ये है फ्रंट व्यू। और यहाँ पर आप देखिए जैसे ये इंडियन ऑयल के पूरे टैंकर टाइप के लगे हुए हैं, और इन्हीं में डीजल भरा हुआ है इन डीजल लोकोमोटिव्स के लिए। यहीं से लिया जाता है और यहीं पर स्टोर किया जाता है डीजल को। और फरवरी 2018 के रिपोर्ट के अनुसार इस डीजल लोकोशेड के पास करीब 139 लोकोमोटिव्स हैं, जिसकी ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस सभी यहां पर की जाती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ब्लॉग, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में। और इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा है भाई, बहुत मेहनत से बनता है ये ब्लॉग। इसके संग बिल्कुल गलत मत होने दो, आप ही के हाथ में है, क्योंकि सब्सक्राइबर और व्यूअर के हाथ में ही होता है एक वीडियो किसी भी यूट्यूबर का। तो बस आप ही को सपोर्ट करना है और आप ही को आगे बढ़ाना है। शेयर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, जितने रेल फैंस हैं, ट्रेन लवर्स हैं, सबके साथ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी TrainLoversHY या इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ भी बातचीत होती रहेगी, तो आ जाइए। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, कमेंट भी, और शेयर करो सबके साथ।